नमस्कार, संध्या वंदन। जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस जूलॉजी के बायोकेमिस्ट्री क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बाद लिपिड और फैट। लिपिड्स या फैट भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। कभी कभी इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी साथ में अटैच हो सकता है। ये दोनों काम करते हैं। एक तरफ तो ये एनर्जी स्टोर करने का काम भी करते हैं और अदर कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी स्टोर करते हैं। हमारे स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू है उनमें स्टोर होते हैं। और इसके अलावा ये सेल का बिल्डिंग मटेरियल की तरह से भी काम करते हैं और जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन बनने में एक समस्या ये है कि सेल के अंदर भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, पानी है, और सेल के बाहर भी इंटरसेलुलर स्पेस में पानी है। तो इसके लिए दोनों तरफ ऐसा होना चाहिए कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो होगा वो पानी में डिजॉल्व भी हो जाएगा, वो स्टेबल नहीं होगा, और हमें ऐसा भी चाहिए कि वो स्टेबल भी हो। तो इसके लिए क्या होता है कि सेल में जो भी अधिकांश लिपिड्स या फैट्स पाए जाते हैं वो उनका एक हिस्सा तो हाइड्रोफिलिक होता है और एक हिस्सा हाइड्रोफोबिक होता है। तो बीच में जो हिस्सा होता है हाइड्रोफोबिक, उससे स्टेबिलिटी आती है, और दोनों किनारों पर हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं जो कि वाटर के साथ मिसिबल तो होते हैं लेकिन उसमें डिजॉल्व ही नहीं होने देते हैं। एक बात, अब लिपिड्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन इत्यादि में सॉल्युबल होते हैं, और ये लिविंग टिश्यूज से एक एपरेटस होता है जिसे कहते हैं सॉक्सलेट एपरेटस। तो सॉक्सलेट एपरेटस को यूज करके ये और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को यूज करके एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। अब लिपिड्स को कई तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। एक तो तरीका है कि अधिकांश लिपिड्स जो हैं अल्कली के साथ ट्रीटमेंट के बाद सोप बना लेते हैं, साबुन, और जो बना लेते हैं तो इन्हें सैपोनिफाइएबल कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सोप नहीं बना पाते हैं तो उन्हें नॉन सैपोनिफाइएबल कहते हैं। दूसरी एक और कैटेगरी है जिसमें सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव लिपिड। सिंपल लिपिड में जनरली दो कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड्स जो हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। फैटी एसिड जिसमें कि COOH ग्रुप होता है, अब इसमें जैसे कि आप फॉर्मिक एसिड जानते हैं HCOOH, CH3COOH एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड C2H5COOH, ब्यूटेरिक एसिड C3H7COOH, लेकिन ये सब वाटर सॉल्युबल हैं। लेकिन C14 से लेकर के C24 वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं ये फिर वाटर में इनसॉल्युबल हो जाते हैं। इनमें भी दो कैटेगरी है, एक तो जो अनसैचुरेटेड वाले जिसमें जो रूम टेम्परेचर पे जनरली लिक्विड होते हैं जैसे ऑयल है, और इसमें एक दो या तीन डबल बॉन्ड हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, तो इन्हें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। दूसरी तरफ जैसे इनका नॉमेनक्लेचर भी ऐसे किया जाता है कि जैसे जो फैटी एसिड है COOH उसके पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, दूसरे को बीटा कार्बन, तीसरे को गामा कार्बन, चौथे को डेल्टा कार्बन, जो टर्मिनल वाला है इसको ओमेगा कार्बन कहते हैं। तो ओमेगा कार्बन की तरफ से गिने तो एक दो तीन, तीसरे और चौथे के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है तो इसे क्या कहते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फॉर एग्जाम्पल लिनोलेनिक एसिड। दूसरी एक कैटेगरी है जिसमें कि ओमेगा कार्बन से लेकर के एक दो तीन चार पाँच छठे और सातवें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसे ओमेगा 6 फैटी एसिड कहते हैं। कुछ फैटी एसिड्स तो ऐसे हैं जो कि हम दूसरे फैटी एसिड से इंटर कन्वर्जन के बाद बना सकते हैं, तब उसे तो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं, उससे वो नहीं भी मिले हमें फूड में तो काम चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसे हम दूसरे से इंटर कन्वर्जन के बाद नहीं बना सकते हैं, वो हमें फूड में मिलना ही चाहिए, डाइट में मिलना चाहिए, तो उसे एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जैसे कि
C15H31COOH पामिटिक एसिड, C17H35COOH स्टीरिक एसिड इत्यादि। अब ये तो फैटी एसिड्स हुए, दूसरी एक और कैटेगरी है जिसमें ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल CH2OH, CHOH और CH2OH, और इन ये तीनों एल्कोहलिक ग्रुप से तीन फैटी एसिड्स के, हायर फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अब वो तीनों से एक ही तरीके के फैटी एसिड्स के तीन मॉलिक्यूल हो सकते हैं या तीनों से अलग अलग कैटेगरी के फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए हमने ये पॉमिटिक एसिड लिया C17H35COOH, तो इसका H और इसका OH ये वाटर मॉलिक्यूल बना लिया और बीच में एक बॉन्ड बन गया, तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल बन जाता है, जो कुछ किताबों में इसे ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, लेकिन ट्राइग्लिसराइड शब्द सही नहीं है। लेनिंगर की बायोकेमिस्ट्री ये कहती है कि इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहना चाहिए। लेकिन इसके बाद फिर इसे और अधिक एक हिस्सा पोलर बनाने के लिए कुछ चीजें और जोड़ी जाती हैं, आइए देखें कैसे। कभी कभी ये जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल था इसमें बीच वाले एक कार्बन से एक H3Q4 जोड़ दिया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया जाता है, तो इसे फॉस्फेटाइडिक एसिड कहते हैं। और पुनः इसकी इस फॉस्फेट एनायन की पोलैरिटी और बढ़ाने के लिए कुछ और मॉलिक्यूल्स अटैच किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक मॉलिक्यूल है इथेनॉल CH3CH2OH, इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन पे एक NH2 ग्रुप अटैच हो जाए तो इससे बनता है इथेनॉल अमीन। इसके अलावा एक मॉलिक्यूल है कोलीन, कोलीन में क्या है CH2CH2OH और एक तरफ N, उससे तीन मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है आयन। तो कभी कभी ये कोलीन, इथेनॉल अमीन, सेरीन या इनोसिटॉल इससे अटैच कर दिए जाते हैं तो उसकी पोलैरिटी बढ़ जाती है और ये एक सूटेबल मॉलिक्यूल हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। तो इस प्रकार ये लिविंग सिस्टम के लिए में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स में से एक हैं लिपिड्स या फैट्स। थैंक यू वेरी मच।